डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनका इनके कंसेप्ट समझे थे, इनके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, उनमें सब क्वेश्चन आया था। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के करीब करीब सभी क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्शन की एंट्री मिलेगी। थोड़ा डिटेल में समझ लेते कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनसे जो मेंबरशिप फीस ली जाती है, जो कि पीरियडिकली ली जाती है, एक रेगुलर इनकम होती है। ये मेंबरशिप फीस जो है क्लब के जो मेंबर दे रहे हैं, इसी को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि पीरियडिकली मिलती है, रेगुलर मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ हम आगे समझेंगे। तो मेंबरशिप फीस जो मिलती है मेंबर से, उसी को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब इस बेसिस पर अगर देखें तो इसके ड्यूअल एस्पेक्ट होता है अकाउंट के अंदर। तो इसका पहला एस्पेक्ट ये है कि ये एक रिसिप्ट है, इसलिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगी। फिर ये इनकम है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में भी आएगी। तो वेरी सिंपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में और इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में इसको लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ये इसका एस्पेक्ट है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इसके बारे में ये हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आता है, इसलिए हमको पता होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन को अगर हम बुकीज लैंग्वेज में बात करें तो देखिए उसका मीनिंग क्या होता है। सब्सक्रिप्शन मीन्स राइट टू यूज एंड एक्सेस द सर्विस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो है राइट टू यूज एंड एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज यूज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, उनका फायदा लेने के लिए। तो हमें जो राइट मिलता है उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, मेंबर्स को जो सारे राइट मिलता है उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बने रहने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए जो उनको राइट मिलता है, इसी को सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अकाउंट की लैंग्वेज में चले तो, इन अकाउंटिंग अमाउंट पेइंग बाय मेंबर्स फॉर एक्सेस द सर्विसेज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। जो मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलता है काय के लिए, सर्विसेज एक्सेस करने के लिए, क्लब के बेनिफिट्स लेने के लिए, उसमें मेंबर बने रहने के लिए। जो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स को पे करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो अमाउंट जो है वो जो पे करते हैं वो क्लब के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन होता है। जो मेंबर्स होते हैं वो पीरियडिकली ये अमाउंट पे करते हैं, मतलब मंथली उनसे मेंबरशिप फीस ली जाती है, या क्वार्टरली ली जाती है, या हाफ ईयरली या ईयरली ली जाती है। तो इस ढंग से पीरियड वाइज मेंबरशिप फीस ली जाती है। हर महीने ले रहे हैं तो पीरियडिकली का मतलब हर महीने, एनुअली ली जाती है तो टाइम के हिसाब से ली जाती है ना, तो ये पीरियडिकली अमाउंट हुआ। फिर मैंने कहा था कि ये रेगुलर मिलती है, मेंबर्स तो हमेशा बने रहेंगे, आज कुछ मेंबर चल जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे उनकी जगह पर, तो ये पैसा हमेशा रेगुलर मिलता है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस को बोलते हैं जो मेंबर से मिलती है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये एक रिसिप्ट है, तो इसके हिसाब से पहला आस्पेक्ट रिसिप्ट है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस के नाम से। अब इसका सेकंड आस्पेक्ट क्या है, यानी जो सब्सक्रिप्शन मिला है इसको और कहां लिखेंगे। तो सेकंड आस्पेक्ट समझने के पहले सब्सक्रिप्शन का नेचर समझ लेते हैं। नेचर क्या है, नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू आइटम, ये एक रेवेन्यू आइटम होती है। तो हमने 11th में पढ़ा था रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम। रेवेन्यू आइटम का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए, रेवेन्यू रिसीव्स डिफाइन एज दोज रिसीव्स विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसेट्स। रेवेन्यू रिसीव्स किसको बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स डिफाइन एज दोज रिसीव्स विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, ऐसी रिसीव्स जिससे हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो, उसको रेवेन्यू रिसीव्स बोलते हैं। जैसे ना, लायबिलिटी कहां क्रिएट होती है, जैसे बैंक से लोन ले, अगर बैंक से लोन लेंगे तो ये हमारी रिसीप्ट पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा हमको रीपे करना है, उससे हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई। तो जिससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो फिर
वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोलेंगे उसको। तो यहां पर जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलती है ना, तो इसको हमको रीपे नहीं करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, इसलिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट से नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ असेट, ना ही उससे कोई असेट कम होना चाहिए। किससे असेट कम होती पहले वो समझते, जैसे अपन मशीन सेल करें, अगर हम मशीन सेल करेंगे तो इससे पैसा मिलेगा, ये रिसिप्ट है, लेकिन बदले में हमारी मशीन चले जाएगी, मशीन सेल की ना तो मशीन चलेगी तो असेट कम हो गई हमारी। तो यहां पर जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है, मेंबर से जो मेंबरशिप फीस मिलती है, उससे हमारी कोई असेट कम नहीं हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट हुई। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू नेचर की आइटम है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। और डिटेल में अगर हम चले तो ये रेवेन्यू इनकम भी है। कैसे? तो रेवेन्यू इनकम किसको बोलते हैं, थोड़ा याद कर लेते। रेवेन्यू इनकम्स आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स, पहली बात कि रेवेन्यू इनकम उसको बोलते हैं जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती है। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स ये हमने पहले समझ लिया, तो इसलिए ये रेवेन्यू इनकम हुई। रेगुलर रेवेन्यू इनकम उसको बोलते हैं जो रेगुलर मिलती है। तो मेंबर्स तो हमेशा बने रहते हैं, ये कुछ मेंबर अगर चले भी जाएंगे तो दूसरे मेंबर्स आ जाएंगे उनकी जगह पर। तो ये जो रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन जो मिलता है, ये हमेशा मिलने वाली आइटम है, रेगुलरली मिलने वाली आइटम है। एंड रिकरिंग नेचर, रिकरिंग इन नेचर, बार बार मिलने वाली, ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने मेंबरशिप फीस दे दी तो बस दे दी, उसके बाद फिर कभी इनको नहीं देना है, नहीं, ये बार बार मिलती रहेगी, मंथली मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, एनुअली मिलेगी, हमेशा मिलती रहेगी। तो ये रिकरिंग नेचर की आइटम है। तो जो रेगुलर होती है, जो रिसीप्ट होती है, जो रिकरिंग नेचर की आइटम होती है, उसको रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। एंड जनरेटेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। रेवेन्यू इनकम में एक और बात क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लब के अंदर, ट्रस्ट के अंदर जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो एक्टिविटी, जो सर्विसेज दी जाती है नॉर्मल वे में, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए उनको जो पैसा मिलता है, जो रिसिप्ट जनरेट होती है, तो हम बोलेंगे जनरेटेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, ये रेवेन्यू इनकम है। जनरेटेड या फिर यूं भी बोल सकते हैं जनरेटेड बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो दी है उनको यूज करने के लिए जो राइट दिया है उसके बदले जो मिला है वो रेवेन्यू इनकम है। तो रेवेन्यू इनकम में और भी चीजें आती हैं, हम तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यहां पर हम। तो इस सेंस ये हमारी एक इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। तो रेवेन्यू इनकम है इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगी, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने समझा था पीछे की रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो ये रेवेन्यू इनकम है। और इनकम क्रेडिट साइड में आती है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन करके लिख देंगे, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। तो इस ढंग से ये सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है। तो हम एक नहीं, हम तीन क्वेश्चन लेके इस सब्सक्रिप्शन को और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसके केसेस आते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम अगले तीन लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सिंपल, थोड़ा सा और अच्छा, और फिर और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, और उसके थ्रू हम समझेंगे सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।